गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो क्या है आप लोग को तो पता चल ही गया होगा। तो गाइस कुछ लोग हैं जो मुझे ऐसे ब्लेम कर रहे हैं, मुझे फालतू का गालियां दे रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है। वैसे तो मैं नेगेटिव कमेंट को हमेशा इग्नोर करती हूँ, जिसको मुझे हेट करना है वो करते रहे हैं, मैं खुद का काम करती जाऊंगी। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, आप लोगों ने भी देखा होगा शायद। इट्स इट नॉट इवन वेयर माइक दैट बैंगल्स वेयर एंड द साउंड डज नॉट मैच एट ऑल। और भी बहुत सारे कमेंट है, दूसरे के वीडियो का साउंड कॉपी मार के खाने का अच्छा आवाज निकाल लिया। और वैसे मैं अपनी वीडियो में दूसरे का साउंड या फिर कोई म्यूजिक अटेंड नहीं करती हूँ, कभी कभार कर लेती हूँ तो क्रेडिट पूरा फुल दे देती हूँ मैं। और पिछले जो खाने का वीडियो था, तो आपने बोला था कि मैंने माइक वेयर नहीं किया है। माइक जो था वो टेबल का जो कपड़ा था वहाँ पे मैंने लगा के रखा था नीचे, और यहाँ पे लगाने में मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी यूट्यूबर्स का भी वीडियोस देखा था जो वो लोग चैलेंज करते, तो यहाँ पे माइक नहीं लगाते, वो लोग कहीं पे लगा देते। और मेरा माइक ये रहा, देखिए ये माइक है, ये मैंने निकल लगा दिया था। मुझे पता नहीं मैं ये सब क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट मेरे से रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसे ही खामखा बहुत सारे लोग आके कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। तो ये माइक अच्छा खासा काम करता है, और मैं तो मेरे से वही गलती हो गया, मैंने बिहाइंड द स्क्रीन भी मुझे रिकॉर्ड करके रखना चाहिए था। अगर से अगर मैं ऐसा कुछ भी खाने का वीडियो बनाऊंगी तो सबसे पहले मैं बिहाइंड द स्क्रीन बना के रख दूंगी। मेरे पास दो फोन है, एक फोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, एक फोन से मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा था। तो जब मैं एडिट कर रही थी तो एडिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जब आप चबाओगे मम मम करके आप क्या उसका चबाया वो भी देखोगे क्या, तो मैंने वो थोड़ा सा कट कर दिया था। मेरा जो माइंड है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मतलब कि सॉन्ग ऐड करते हैं ना तो सॉन्ग को ऐड करना तो ईजी है, बट मेरा चबाया हुआ को मैं ऐड कर रही थी तो कहाँ पे क्या कर रही थी मैं सब कुछ भूल गई थी, तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था कि वो साउंड मेरा ही है। एक बात आप लोग नोटिस करना कि मुकबैंगर्स चूड़ियाँ नहीं पहनते, मैंने वीडियो में कुत्ते भी भौंक रहे थे बैकग्राउंड में, मेरा चूड़ियों को भी आवाज आ रहा था, और मैं अच्छे से लास्ट में मैंने बोला भी मैं। आप लोग बिलीव करो या ना करो वो साउंड मेरा ही है, अगर तो प्लीज ऐसा वाला ब्लेम मत कीजिए। इसने मुझे कमेंट किया है, आई थिंक इसका कुछ हेल्थ इश्यू था ना, इसने बोला था ना कि डॉक्टर ने उसको ये सब खाने को मना किया है। अब तो फिर अभी क्या इसका तबीयत ठीक हो गया क्या, कुछ दिन पहले तो ये अंडा भी नहीं खाती थी। तो हाँ ये सच बात है कि मेरा हेल्थ का इशू अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ठीक हो गया है। तो 3 महीने पहले जब मेरा पाइस होता तो डॉक्टर ने बोला था कि तुम अंडा चिकन ये सब नहीं खा सकते, तो मैंने बंद कर दिया था, बंद कर दी थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम 1 महीने नहीं खा सकते, बट मैंने 3 महीने तक नहीं खाया था, और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा स्टोन हो रहा है। अभी डॉक्टर ने नहीं बोला कि तुम नहीं खा सकती हो, मैं खुद से स्किप करके रख रही थी, बट मेरा दिल कर रहा था बहुत कि मैं खाऊं एक दिन। तो मैं वीडियो में देख रही थी कि लोग कैसे चिकन खाते हैं, तो मेरा भी दिल ललचा रहा था। एक ही लाइफ है, क्या पता कल मॉर्निंग को मैं सो के ना उठूं तो मेरा आंख ना खुले, तो मेरा जो इच्छा है वो तो इच्छा ही रह जाएगा, मैं तो उसको पूरा ना के बिना ही ऊपर चली जाऊंगी, आत्मा को भी रिग्रेट होगा कि मैंने क्यों नहीं खाया। तो मेरा दिल कर रहा था बहुत तो मैंने खा लिया, और फिर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करना था मेरे चैनल में जो कि मैंने आज तक नहीं किया है, कि बार बार एक ही रूम में मतलब एक ही टॉपिक में कैसा वीडियो बनाऊं। इसके लिए मैंने सोचा था कुछ अनोखा करूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तो कहीं बाहर तो नहीं जा सकती हूँ, मतलब यहाँ पे रहना पड़ेगा मुझे, और बहुत ज़्यादा मेहनत किया था उस वीडियो में, बट ऐसा कुछ नहीं मिला, उल्टा मुझे गाली गलौज मिली। बट कोई बात नहीं, आप लोग को जो अच्छा लगा वो आप लोग करोगे तो करते रहो। तो जैसे कि कुछ बोलती हूँ ठीक है कि मैं चिकन वगैरह नहीं खाऊंगी, अब से मैं अंडा वगैरह नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी, तो इस टाइम ज़रा सीरियस मत लेना, क्योंकि मैं खाने में कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ टेस्टी लगती है तो चाहे मेरा जितना भी हेल्थ इशू हो मैं उसको खाके ही छोड़ती हूँ, ऐसा मेरे घर वाले भी जानते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे रोकते भी है कि तुम मत खाओ मत खाओ, बट मैं खा के ही छोड़ती हूँ। मैं खाने की बहुत ज्यादा ही शौकीन हूँ, मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ। सागर भी आ चुका है काम से, तो मैं सागर के साथ भी कि मैंने स्टार्ट करूंगी अभी। सागर की पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पूछा है, तो मैं तो क्लास 10 तक पढ़ी हूँ, उसके बाद से मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी, क्योंकि क्लास 10 के एग्जाम देने के बाद मैं पास हो गई थी, उसके बाद मेरे साथ एक स्कूल में सीन हुआ था, तो जो मेरा कुछ बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम हो गया था वो। और सागर तुम कहाँ तक पढ़ लिखे हो? हम तो 6 तक पढ़ाए, हम अपना मन से पढ़ाई छोड़ दिया है, ऐसे ज्यादा बात कुछ नहीं है, पढ़ने का मन नहीं था नहीं पढ़ा, बट मेरा पढ़ने का दिल था। बट क्या तुम्हें सागर से पहले कोई बॉयफ्रेंड था, और क्या सागर का तुमसे मिलने से पहले कोई गर्लफ्रेंड था? मैं सागर से नहीं मिली थी तब मेरा बॉयफ्रेंड था, और तुम्हारा सागर? मेरा भी गर्लफ्रेंड था। आर यू बोथ प्लानिंग फॉर योर बेबी? यस प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी आज। कुछ भी ठीक है, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं प्लानिंग, हम लोग बस अपनी बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाए। आजकल क्यों सागर रूडली बात करता है तुमसे, क्यों करता है? हम आगे से ऐसे करता था पहले से, हम इसे सुन नहीं देखा, इसलिए हम आगे से ऐसे अभी भी ऐसे। सागर का घर और उसके मम्मी पापा को दिखाओ। मेरा घर बहुत दूर है, जाने तो नहीं सीखेगा अभी, आपका यहाँ नहीं बिहार में है। हाँ सागर का साथ ऐसे किया है इसलिए कभी नहीं जाऊँगा। इसके मम्मी पापा ने मेरे साथ इतना गलत किया है तो उसके लिए
कि फैशन देखो और घर देखो, बीच से जितनी औकात है उतनी ही रखो और उसी ढंग के कपड़े पहनो। पहले तो आपको तमीज से बात करनी सीख लेनी चाहिए, घर वालों ने आपको यही सिखाया है। मैं जानती तक नहीं हूँ, आप मुझे बीसी करके गाली दे रहे हो। मेरा घर का औकात जितना भी हो, मैं खुद को ठीक करने का कोशिश कर रही हूँ, मैं खुद को यहाँ से वहां ले जाने का कोशिश कर रही हूँ। इतनी कम से ही मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोग को भी दिख रहा होगा। उनको इग्नोर करती हूँ, उसके लिए मैं कमेंट नहीं पढ़ती हूँ सबका, क्योंकि मुझे हर्ट होता है, बिग बॉस मुझे हर्ट होता है, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझे हेट करते हैं, बट पता नहीं क्यों करते, क्योंकि मैं तो खुद की लाइफ को बेटर बनाने के लिए ही कोशिश कर रही हूँ, मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही हूँ ना। अगर इसमें भी सबको प्रॉब्लम है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। हर कोई इंसान अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है, करता है 12-12 घंटे काम करता है, तो मैं भी कर रही हूँ वही। जिस औकात में मुझे उसी औकात का कपड़े पहनना चाहिए। दुकान के बाहर क्या लिखा होता है कि आप मिडिल क्लास के लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हो, ऐसा तो नहीं लिखा रहता ना। दुकान सबके लिए होता है, रेस्टोरेंट सबके लिए होता है। अगर कभी आपका दिल करे कि एक दिन के लिए सही फील तो करे कि अमीर होना कैसा लगता है, अच्छा दिखना कैसा लगता है, तो ऐसा अगर हम लोग पहन लेते हैं वहाँ पे, अगर खा लेते हो तो क्या कुछ बुरा काम कर दिया क्या? क्या हम लोग का हक नहीं है? क्या मेरा हक नहीं है ऐसे वाले घर में रहने का? मैं तो रह रही हूँ ना अपनी दम से, अपनी खुद की कमाई हुआ पैसों से मेहनत, क्योंकि मैं जिस जगह से हूँ मुझे पता है कि मुझे इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखना चाहिए, बट मैं फिर भी देख रही हूँ। सबको हक है देखना, तो देखो। वीडियो के लिए इतना स्पाइसी मत खाया करो सना, कितनी का प्रॉब्लम है ना तुम्हें। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, बाकी तुम हम सब तो वैसे भी साथ तुम्हारे साथ है। थैंक यू सो मच, ऐसे मेरे साथ रहिएगा। अभी तुम्हें स्पाइसी नहीं लग रहा है, वंस वीडियो में तुम तो रो रही थी ओवर एक्टिंग। जब मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी नूडल्स तो मुझे स्पाइसी लग रहा था बहुत, उसके बाद से मैंने 7 दिन लगातार मैंने ट्राई किया, उसके बाद मैंने फिर से वीडियो रिकॉर्ड किया तो फिर मेरे से खाया गया। ऑफ कैमरा जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो मुझे पता है, और मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं वो मैं जानती हूँ। आप लोग किसी को भी बाहर से देख के या फिर कुछ भी नहीं बोल सकते उसके बारे में, अनाउंसमेंट आपकी। चाहे आप अभी काम पे नहीं जाती है क्या, तो मैं अभी भी काम पे जाती हूँ, वो तो पर्सनल है और वो मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे इतना भी ज्यादा बिलीव नहीं कर सकते हैं। कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया क्या? क्या है, बहुत सारे ने किया है, गिनती नहीं कर सकते। हाउ ओल्ड आर यू? मैं 19 साल की हूँ। मेरा आधार कार्ड वगैरह चाहिए तो बोल दीजिएगा, मैं दे दूंगी। January 26 को मेरा 20 ईयर्स होगा। ये कहती है ये गरीब है, रोज नए नए चीजें खाती तो रहती है। मैं मतलब इतनी भी ज्यादा गरीब नहीं हूँ कि मैं नहीं हूँ कि मैं रास्ते में भीख मांगने का मेरा नौबत तो नहीं आ रही है। मेरा भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, उनसे मैं काम करती हूँ। मैंने खुद के कमाई हुए पैसों से थोड़े मोड़े खाने का चीजें खरीद लिया, वो मैंने वीडियो करके खा लिया, या फिर मेरे खुद के पैसों से मैंने ड्रेसेस खरीद लिया जो मेरा दिल है, जो मैं आज तक नहीं पहन पाई हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं दे पा रहे थे, मैंने खुद की कमाई से मैंने खाया पिया पहना। तो मैंने कुछ गलत काम कर दिया क्या? क्या आपको हक नहीं है अपने खुद की लाइफ खुद की मर्जी से जीने का? हमेशा आप गरीबी रहो, मतलब मैं गरीब हूँ ऐसा नहीं है। हाँ, मेरे पास रहने के लिए खुद का घर नहीं है, मैं रेंट में रह रही हूँ, इतने भी ज्यादा पैसा नहीं है कि वर्ल्ड टूर करूँ, ऐसे नहीं हूँ। क्योंकि मेरा भी दिल करता है यार वीडियो में देख देख के लोगों की, ये लोग कैसे खा रहे हैं, मैं भी खा पाती तो मैं अपनी सेविंग किए हुए पैसों से खा लेती हूँ और फिर आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैं भी खा रही हूँ। और मेरा जो दिल करता है कपड़े पहनने का, मैं कभी कभार खरीद नहीं पाती, बट जब खरीदती हूँ तो फिर आप लोग को दिखाती हूँ। देखो, चिपकली ने भी टिक 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 कर दिया है, सच बात बोला है मैंने। मेरे मम्मी पापा का जो घर है उसको मैं ठीक नहीं कर पा रही हूँ, ठीक करने का कोशिश करती हूँ, बट मम्मी खुद ही बोलती है कि ठीक मत कर, खुद का जब मिट्टी होगा तब अच्छे से बनाना, और अभी तो नानी का मिट्टी है वो, तो कुछ फैमिली मेम्बर्स है जो वहाँ पे अच्छे से मम्मी को घर बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो उसी का प्रॉब्लम है। वैसे अगर फ्यूचर में अगर भगवान जी है तो ज़रूर खुद का ही घर लूँगी।